इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान में ईरान के हमले पर भारत का बयान, ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है, एमईए ने कहा है आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई को समझते हैं। इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री हैज समन्ड द पाकिस्तानी एम्बेसीज। वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो सेल्फ डिफेंस था। जो इस्लामिक कंट्री जिसको हम अपना ब्रादराना कंट्री कहते हैं वही हम पर जो है वो अटैक करी जा रहे हैं। हुआ यूं कि जो ईरानियन अथॉरिटीज हैं, कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है जी कि हमने टेररिस्ट पे हमला किया। पता नहीं ऐसी आखिर क्या गलती हो चुकी है कि वो भी हमारे जो है वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने जो रास्ता अडॉप्ट किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है। दहशत गर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100% बहुत सारे लोग पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि आपके इंडिया से मसले हैं, ईरान से मसले हैं, आपके अफगानिस्तान से मसले हैं, बस चाइना रह गया। जो खुद पाबंदियों से जकड़ा हुआ मुल्क है और वो आकर जनाब हमारे ऊपर अटैक शुरू कर देता है, हम न्यूक्लियर पावर हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने आज ईरान के जो सफीर हैं उनको मुल्क से निकाल दिया है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर हमारे ऊपर अटैक कर दे। जयशंकर दो दिन पहले वहाँ मेरे ख्याल चाय पीने तो नहीं गया है। में गुस्सा इसलिए है कि हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि ऐसा हमसाया जिसके लिए हमने हमेशा हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उनकी कॉज की हमने जो है वो हमायत की और हमें उसका नतीजा क्या मिल रहा है। इसको पाकिस्तान को सीरिया और इजिप्ट की तरह लिया जाएगा कि जिस तरह ईरान वहां पर शाम में सीरिया में इजिप्ट में जो है वो हमले कर रहा है उसी तरह पाकिस्तान ने भी कर दिया। इंडियन मीडिया पूरा फोकस में था कि जी आप किसी तरीके डाइवर्ट करें पाकिस्तान की तरफ लाया जाए, और अगर जयशंकर दो दिन पहले वहां मेरे ख्याल चाय पीने तो नहीं गया, आई एम श्योर कुछ ना कुछ ने बातचीत की। शो इन्होंने ये कि एक तो उन्होंने हुती से प्रोटेक्शन मांगी है कि जी हमारे शिप्स पर अटैक ना करें, और मे भी उन्होंने कुछ तरीके से बातचीत किया जी कि आप ये वाला फ्रंट खोलें। एंड ईरान शुड एक्चुअली रियलाइज कि आप हमारे नेबर हैं एंड बेसिकली शुड नॉट बी वर्किंग ऑन समबडीज एडवाइस। ये अनफॉर्चुनेट, लेकिन इस वक्त जो उनकी अपनी सिचुएशन है इंटरनली एक्सटर्नली काफी ज्यादा प्रेशर है, आइसोलेशन है, एंड वी डोंट वांट कि ईरान खुदा ना खासा डिस्टेबलाइज हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं, एक न्यूक्लियर पावर से आप एक्सपेक्ट करते हैं हम चुप करके बैठ जाएंगे, वी आपस में मासूम जाने भी गई हैं, तो पाकिस्तान का रिस्पांस भी आ सकता है एंड थिंग्स कैन एस्केलेट। सो दे हैव टू रियलाइज इस चीज को मैनेज किया जाए। बगेरी साहब, इस चीज का हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया और जो भारतीय मीडिया है वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ ये वायरल प्रोपेगेंडा बड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान के चार नेबर्स हैं और चारों में से तीन के साथ उसकी नहीं बनती है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है और ईरान। उन्होंने कहा मसला पाकिस्तान में है कि ये यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको रिबटल होता है। तो इस किस्म के मौके का फ़ायदा उठाते हुए इंडियन मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, बहुत एक्टिव हुआ है जिसमें आई थिंक जो परसेप्शन बनाई जा रही है काफ़ी पहले की है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस सवाल पर आने से पहले ये इंडिया की अपनी तरफ, मालदीव ने अभी उनको कहा जी कि आप निकले यहाँ से, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ उनकी जंग है, इरा चाइना के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है 2020 में और फैंटी भी पड़ी है उनको, 2500 स्क्वायर किलोमीटर चला गया। नेपाल खुश नहीं है, उसके बाद बांग्लादेश में फराखा बराज का प्रॉब्लम है और रह गया सिक्किम। तो भारत का अपना जो वतीरा है अभी भी, आई थिंक म्यांमार के साथ भी बड़ा सीरियस टेंशन हुआ बिकॉज ऑफ वहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है। तो माशाल्लाह भारत का अपना वतीरा आप देख लें, ये सिर्फ एक परसेप्शन है कि लेट्स से अफगानिस्तान में अगर फॉरेन पावर आके बैठ जाती तो कसूर पाकिस्तान का, हम तो मैनेज करते रहे, हमने पनाह भी दिया, आई थिंक वी हैव गुड रिलेशन। द ओनली थिंग, अच्छा मुझे अफसोस है सिर्फ अपने सोशल मीडिया, स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी जो वो कहते हैं ना लीव नो स्टोन अनटर्न, कि मौका मिल जाए और अभी सारा ब्लेम डाल दें मिलिट्री ने क्या कर लिया और इंसाइट करें, अंदाजा करें कि बजाय कूल डाउन करने के इमेजिन करें। मुझे लगता है कल खुदा ना खासा भारत साथ जंग होगी तो पीटीआई की सारी सोशल मीडिया टीम जो है ना वो दिल्ली के साथ होगी और आई थिंक दे शुड बी टेकन। बिल्कुल, और यही अफसोसनाक अमर है, रात से हम यही देख रहे हैं कि इस एक सियासी जमात के लोगों का पूरा फोकस कहीं होना चाहिए तो और कहीं और हो गया। ये तो इनकी पॉलिसी गलती है ना, फिर सारा इनकी पॉलिसी, पाकिस्तान की जो खर्चा पॉलिसी है ये तो फिर उसका ही सारा फैक्ट है ना। बात तो ये है, ये इन्हें इत्तेजाज करना चाहिए ना, करा तो इंडिया ही रहा है, ये तो कन्फर्म है। करवा रहा है तो तारीख में कभी हम लोगों ने उन्हें काउंटर क्यों नहीं किया कि ये लो सबूत और इंडिया ने सब कुछ करवाया, कभी सबूत भी तो देने चाहिए ना। तो ये नहीं दे सकते ना सबूत, ये बस इनके पास इतनी ताकत नहीं है। जब सबूत नहीं देंगे तो दुनिया तो हम पे हंसेगी ना कि ये देखो झूठे लोग, मकार लोग बस बातें करते, ऐसा है ना। तो ईरान, बात ये है कि ईरान के हमारे इतने अच्छे तल्लुकात है तो फिर उन्होंने ऐसा काम वो तो नहीं कर सकते। ईरान की जानिब से कहा गया है कि बॉर्डर के पास टेररिस्ट थे, मतलब दहशत गर्द थे, उनके ऊपर हमने अटैक किया। नहीं, दहशत गर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है।
100% पहले उन्होंने अमेरिका ने तैयार कराया ये सारे दहशत। कल क्यों हमारे में पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, इस्लाम के मानने वाले फॉलोअर्स होना चाहिए और हम इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम बहुत पीछे रह गए। सही बात है, दुनिया से बहुत पीछे चले। अब बोलो के हालात देख लो, इस्लाम तो नाम का इधर जो आया लूट लूट के चला गया, इस्लाम को किसने फॉलो किया किसी ने। दूसरा जो कल मैंने आपको बताया कि ईरानी फॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा, इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया कि इंडिया जो है उसको नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए था, ये एक बायलैटरल मसला है और इंडिया को इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया ने इस पर बात की और इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने इस पर बयान जारी किया। और जब उस बयान को जारी किया जिसमें ये बयान मैंने आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, उन्होंने कहा दिस इज़ अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, इन सो फार एज इंडिया इज कंसर्न वी हैव एन अनकम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ऑफ जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, वी अंडरस्टैंड एक्शंस दैट कंट्रीज टेक इन देयर सेल्फ डिफेंस। वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो सेल्फ डिफेंस था। अब जारी बात है जो पाकिस्तान ने किया वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए किया। सो जो स्पोक्स पर्सन साहब हैं मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के रणधीर जायसवाल साहब जो हैं उन्होंने ये बयान जारी किया था। सो टेक्निकली तो हमने पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि हम क्या कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ लार्जली जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जितनी भी तकसीम है फ्रेंकली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो उसकी बहुत बड़ी वजह ईरान है। ईरान ये समझता है कि हम जो मर्जी करें, हम अगर आप देखें डॉक्टर जयशंकर ईरान में क्यों गए थे, मैंने आपको बड़ा सटली एक्सप्लेन करने की दो दिन पहले कोशिश की थी कि डॉक्टर जयशंकर ईरान क्यों गए थे। वो ईरान को कहने गए थे होतीस को चुप कराएं। डॉक्टर जयशंकर ईरान को कहने गए थे कि आप हमारी जो मर्चेंट वेसल्स हैं रेड सी से गुजरती हैं, 200 अरब डॉलर की ट्रेड है, आप क्यों इनको अलाउ कर रहे हैं कि वो ईरान इंडियन वेसल्स पे हमले करें। सो इंडिया ने भी ईरान को मैसेज दिया लेकिन बंद कमरे में दिया क्योंकि उनका लेवल ऑफ कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। लेवल ऑफ कोऑपरेशन पाकिस्तान और ईरान का भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हॉक्स हैं जो ट्रिगर हैप्पी IRGC है जो बड़ी खुश रहती है कि इन चीज़ों की डीप स्टेट जो है वहाँ पे जहाँ पे उनके उलेमास और बाकी लोग जो हैं जो इन चीज़ों में होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो हरकत की है। सो हमने जो डॉक्टर जयशंकर भी यही कह के गए हैं। अच्छा अमेरिका का भी यही मसला है, ईरान इराक लेबनान, ये मैंने आपके सामने एक मिडल ईस्ट का जो मैप रखा है ये मैंने मुझे एक सोर्स से मिला है। आप इसमें देखें कि ईरान की जो नेवल मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कहाँ पर है। ईरान के अंदर जहाँ पर आप देखें जो सॉरी नेवी की आर्मी की और एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है वो ईरानियन मैप पर आपको नज़र आ रही है। इवन के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ईरान के अंडर इन्फ्लुएंस हैं वो अफगानिस्तान में भी हैं, ठीक है जनाब। फिर आप कुवैत के बॉर्डर सॉरी ये तो सारा वो है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एरिया है कुवैत के साथ और इराक के साथ आप देखें कितनी लंबी चौड़ी उनकी जो प्रेजेंस मौजूद है।